नेक्स्ट कक्षा 12 में 144 पर आ गए हम और ऑप्टिक्स चल रही है अपनी। ऑप्टिक्स बुक का सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ये सबसे ज्यादा नंबर एक क्वेश्चन आते हैं इसमें से, और अगले पार्ट में से मिला कर वेव ऑप्टिक्स में से और वेव ऑप्टिक्स में से मिला के 9 नंबर के क्वेश्चन आएंगे सर, 9 नंबर। और 9 में से भी 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इसमें से भी आएगा और एक इसके अथवा में आएगा वो अगले चैप्टर में से आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से भी आएगा, नेक्स्ट में से भी आएगा। तो 9 में से भी लगभग ये मान लो 6-7 नंबर का पेपर तो यहीं से निकल जाएगा, क्योंकि करना तो पड़ेगा एक ही होगा, 4 नंबर का यहाँ से आएगा, नेक्स्ट में से भी आएगा। तो जिसने यहाँ से अटेंड कर लिया तो वो इसमें से आएगा, न्यूमेरिकल इसमें से जरूर आएगा, वो भी इसमें से डायरेक्ट अटेंड हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो चैप्टर है वो ऑप्टिक्स के दोनों भागों में भी ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से बड़ा क्वेश्चन 100% आएगा। उसके लिए टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो कल हमने पिछली क्लास की थी जिसमें हमने किया था नैस निर्वात्री सूत्र, उससे पिछली क्लास की थी हमने जिसमें हमने किया था अपवर्तक सतह से अपवर्तन के लिए सूत्र दो, और अब तो चल रहे हैं तो नॉर्मल मान सकते हैं हम इनको, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाए उनमें ये पूछे जाएंगे, जैसे लेंस शक्ति है इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, मात्र भी आ चुके हैं, लेंस शक्ति का मात्र क्या होता है एक नंबर में, ये बात भी पूछी जा चुकी है। फिर उसके बाद आ जाएगा प्रिज्म, पढ़ेंगे प्रिज्म अगला तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी दो आप नोट कर लें बिल्कुल, और उनको नहीं किया तो अच्छी तरह से करके देख लें, लेंस निर्मात्री सूत्र और गोलीय अपवर्तक सतह से अपवर्तन का सूत्र। तीसरा फॉर्मूला हम पढ़ेंगे इसके अंदर, प्रिज्म से संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे एक प्रिज्म, वो आपके प्रैक्टिकल में भी है और थ्योरी में भी, उसके प्रैक्टिकल की भी वीडियो हम एक दो दिन में अभी बच्चों को करवाएंगे स्कूल में, तब साथ ही शूट करके साथ ही डाल देंगे। और उसके बाद में एक टॉपिक आएगा सूक्ष्मदर्शी, उसमें भी थोड़ा डेरिवेशन पार्ट है। तो ये चार टॉपिक आप लिख लें इस चैप्टर के, चार टॉपिक जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इनको आप अच्छी तरह से समझ लें, अच्छी तरह से करके देख लें और अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। कहीं दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो हम इसका सॉल्यूशन भी जो है वो डाल देंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, फिर रिवाइज कर रहा हूँ चारों टॉपिक को, अच्छी तरह से आप पढ़ लें। टॉपिक नंबर 1 गोलीय अपवर्तक सतह से अपवर्तन के लिए सूत्र, और ये है 17/2021 के लिए, डेफिनेटली 100% एक क्वेश्चन आएगा इनमें से। दूसरा है लेंस निर्मात्री सूत्र, तीसरा आप पढ़ेंगे प्रिज्म, प्रिज्म में एक दो बातें पढ़ेंगे वो पूरी आपको पढ़नी है, और फिर उसके बाद आएगा सूक्ष्मदर्शी जिसमें सरल और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये चार टॉपिक जो है वो बड़े क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत और बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से आप पढ़ लें, नोट कर लें कि ये टॉपिक आप अच्छी तरह से कर लें। बाकी जो पार्ट है उसमें बेसिक बातें हैं जिससे न्यूमेरिकल या शॉर्ट क्वेश्चन ये जरूर पूछे जाएंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण बात चल रहा है इसमें, बात करते हैं आप आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना लेंस सूत्र, सॉरी लेंस की शक्ति, लेंस सूत्र तो पढ़ लिया हमने, शक्ति, शक्ति क्या होती है, कोई भी लेंस जो है वो कितनी दूरी तक उसका अगर विजन क्लियर नहीं है किसी भी नेत्र का, तो उसके लिए लेंस का प्रयोग किया जाता है जिसकी सहायता से जो स्पष्ट है वो देखा जा सकता है। तो हर लेंस की अलग पावर होती है, पावर उसकी क्षमता होती है, वो कितनी दूरी तक जो है वो क्लियरिटी कर सकते हैं, वो उसकी शक्ति कहलाती है। उसको फोकस दूरी के रूप में डिफाइन किया जाता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस शक्ति कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा है इसकी, ये आपको लिखनी है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस शक्ति कहते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/f, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि f यहाँ किस में है, मीटर में है। ऑप्टिक्स में वैसे हमने m गैस की बात नहीं की कि मात्रक जो है उनको चेंज करने की बात नहीं करते ऑप्टिक्स में, क्यों नहीं करते, वैसे हमने जब दर्पण के न्यूमेरिकल किए थे तब कर ली थी बात, अब आगे लेंस के जो लेंस सूत्र से संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे अगली क्लास में, तब हम बात करेंगे उनके बारे में। जैसे सिंपल सा तरीका है, कारण क्या है, इसके अंदर जितने भी फॉर्मूले आते हैं सब में क्या रहता है, LHS RHS में सेम वैल्यूज रहती है, जैसे 1/f = 1/u + 1/v।
अब आपको दे दिया यू के ओ एफ के मान सेंटीमीटर में दे दिए, वी का मान भी हमने सेंटीमीटर में निकाल दिया, मीटर में बदल लो भाई, इसको 100 का भाग देंगे, इसको 100 का भाग देंगे, इसको 100 का भाग देंगे, कट जाएंगे 100 100 100, तो भी वही बात। इसलिए यहाँ एमकेएस की बदलने की नौबत नहीं आती है, तो जरूरत नहीं हमें। लेकिन जहां पर फॉर्मूला एलएचएस आरएचएस में सिमिलर क्वांटिटीज नहीं है वहां पर फिर हमें चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये P का मान कब आएगा, जब F का मान किस में दे रखा हो, मीटर में। अगर ये ही F का मान सेंटीमीटर में दे रखा है, F का मान सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हम इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग करेंगे, तो ये 100 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100/F, 100/F, ठीक है। ये इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपको वैल्यू जो है वो मीटर में है तो 1/F, अगर सेंटीमीटर में है तो 100/F। क्वेश्चन इसका सिंपल सा लगता है लेकिन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते रहते हैं ये क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होते हैं। अब इसके अंदर छोटी छोटी कई बातें आएंगी, इसलिए न्यूमेरिकल के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात आती है कि इसका मात्रक, इसका जो मात्रक है वो डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर, और इसको लिखते हैं कैपिटल डी से। मात्रक में इसका पूछा जा चुके हैं कि मात्रक क्या होता है, चैप्टर पूरा होने के बाद में, जैसा हमने पिछले चैप्टर में किया था, हम पिछले लगभग 8-9 सालों में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे करेंगे ईयर वाइज, कि 2018 में कौन से क्वेश्चन आए हैं इस पार्ट में से, 2017 में कौन से आए हैं, 2016 में कौन से आए हैं, 15 में 14 में 13 में, जहां तक की भी लगभग 6-7 साल के पेपर है मेरे पास, उनमें से बात कर लेंगे, कुछ और मैं देख लूंगा, उनसे भी सारे क्वेश्चन बात करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बड़े क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, छोटे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। अब देखो इसके अंदर आगे की बात, अगर शक्ति को डिफाइन करना हो तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, यहां से यदि फोकस दूरी 1 मीटर है तो इसकी शक्ति कितनी आएगी, 1 डायरेक्टर के बराबर आ जाएगी। तो यू भी आ जाता है कि 1 डायरेक्टर को डिफाइन करो, 1 डायरेक्टर को डिफाइन करो, डायरेक्टर, ऐसी परिभाषा पहले भी हम कर चुके हैं, 1 ओम को परिभाषित करो, हम इस तरह से आते हैं। तो जिसको भी 1 को परिभाषित करना है उसका फॉर्मूला देख लो क्या है, और उसका उत्तर 1 आना चाहिए। तो 1 डायरेक्टर को डिफाइन करना हो तो क्या आएगा, पी बराबर क्या है, 1/F, मीटर में 1/F है, तो एफ का मान क्या रख दें, एफ का मान क्या रख दें, 1 मीटर रख दें, 1 मीटर, तो पी बराबर क्या देगा, तब पी बराबर क्या देगा, 1 आ गया ना, और 1 क्या है, पी बराबर 1 डायरेक्टर है। इसी बात को थ्योरी में लिख दो, क्या लिख दे, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता को 1 डायरेक्टर के तुल्य माना जा सकता है, उसकी क्षमता 1 डायरेक्टर के बराबर होती है, ये बात। अब देखो उत्तल लेंस अवतल लेंस के लिए न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे, उत्तल लेंस थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए ये भी किया जाएगा भाई, फोकस दूरी प्लस में होती है माइनस में होती है, ये हमने पिछली क्लास में कर लिया था डे 143 में, तो उसमें से आप ध्यान रख सकते हो कि उत्तल लेंस के लिए एफ का मान प्लस में होता है और अवतल के लिए एफ का मान माइनस में होता है। तो जब ये पूछा जाए भी इसकी शक्ति ज्ञात करो तो भी प्लस माइनस का ध्यान रखना है, इससे अगला टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं अभी उसके अंदर ये बात काम में आएगी, संपर्क में लेंस पढ़ेंगे, पढ़ी लेते हैं पहले फिर बात करेंगे संपर्क में लेंस, नेक्स्ट टॉपिक लिख लो आप संपर्क में लेंस। लेंस इन कॉन्टैक्ट, संपर्क में लेंस, संपर्क का मतलब क्या है, दो लेंस जो है वो एक दूसरे को स्पर्श कराते हुए रख दिए जाएं तो संपर्क में लेंस कहलाते हैं। यदि दो लेंस एक दूसरे को स्पर्श कराते हुए रख दिए जाएं तो ये स्थिति क्या कहलाती है, कि संपर्क में लेंस कहलाते हैं, दो टच कर रहे हैं दूसरे को। तो प्रकाश किरण जो है वो एक में से आएगी, फिर दूसरे में जाएगी, फिर दूसरे से बाहर निकलेगी, फिर इमेज बनाएगी, तो वहां शक्ति निकालनी है, तो वहां शक्ति क्या होगी, वहां शक्ति क्या होगी, तो इसमें बिल्कुल वही बात हम फिर यूज करेंगे डायरेक्ट रिजल्ट, कौन से लेंस निर्मात्री सूत्र वाले, क्योंकि उसमें भी तो ये इस तरह से दिया था 2 बार अपवर्तन,
अब हमने क्या ले लिया, अभी लेंस पतले होते हैं तो हम सी में से दिखा देते हैं अपवर्तक, लेकिन अब लेंस ही दो दे दिए तो दो बार ही होगा अपवर्तक, दो बार होगा तो दो बार हम उसमें सूत्र लगाएंगे और रिजल्ट प्राप्त करेंगे। तो कैसे ले दिया जाता है कि एक 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तर लेंस और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस के संपर्क में रखा गया है और इस संपर्क की ये जो पूरा सिस्टम बन रहा है दो लेंसों का जो निकाय है, इस निकाय के लिए परिणामी शक्ति क्या होगी, परिणामी फोकस दूरी क्या होगी, तो वो कैसे बताएंगे उसको हम सोल्व करते हैं। तो इसलिए कॉन्टेक्ट वाले क्वेश्चन जो वो दे दिए जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात है कि आपको मीटर में दे दिया जाए, सेंटीमीटर में दे दिया जाए, मात्र पूछ लिया जाए, एक डायरेक्टर पूछ लिया जाए और अब कॉन्टेक्ट वाले आ जाए, फिर उनमें उत्तर उत्तर को इकट्ठा कर दिया जाए तो फिर किस तरह से फोकस दूरी याद करनी है, किस तरह से क्षमता याद करनी है, बिल्कुल सिंपल से बात है। एक दो क्वेश्चन जब सोल्व कर लेंगे, पहले हम बात करते हैं कि कैसे सोल्व करते हैं। डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है कि संपर्क में लेंस के लिए सूत्र सत्यापित कीजिए, दो नंबर में छोटा सा डेरिवेशन है तो वो भी आप ध्यान रखने कैसे करना है। तो यहां से देखें हम कि एक लेंस तो ये है और एक लेंस ये है और दोनों संपर्क में रखे गए हैं, ठीक है, इस तरह से। अब ये लेंस पतले हैं इसलिए हम यहां से वो नहीं माने, वो तो हमने सोल्व कर ही लिया कि वन अब माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन बी इक्वल टू वन अपॉन एफ क्या होगा, इसके लिए संबंध होता है लेंस सूत्र जिसे कहते हैं, तो उसके लिए हम क्या मान लेते हैं, वो पतले होते हैं तो यहीं से मान लेते हैं कि एक ही बार अपवर्तन इसके अंदर होता है। तो यहां से जब इसमें प्रकाश किरण यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, मान लो बिंदु पर प्रकाश किरण जा रही है, यहां से अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन के बाद में इसमें जा रही है तो दोबारा अपवर्तन हो रहा है। हम क्या लेकर चल रहे हैं कि हम ये मान रहे हैं कि इसके लिए नहीं है, इसकी फोकस दूरी मान लो F1 है, ये F1 मान लेते हैं इसकी फोकस दूरी और इसकी क्या है F2 है, तो हम मान लेते हैं कि दूसरा लेंस है ही नहीं, तो यहां पर क्या बढ़ेगी, इमेज बढ़ेगी पहले लेंस के द्वारा। ये वही बात कर रहे हैं, बिल्कुल लेंस नियम मात्र सूत्र जिसको समझ में आया होगा उसको बिल्कुल पता चल रहा होगा कि क्या चल रहा है, कि यहां से हम जब इस लेंस की बात कर रहे हैं तो हम इसको नहीं लेकर चल रहे हैं, ठीक है ये अपवर्तन भी होगा लेकिन हम जब इसका अध्ययन कर रहे हैं तो हम ये नहीं लेकर चल रहे, क्योंकि इसके अनुसार तो प्रकाश किरण यही तो जानी चाहिए, इसके अनुसार तो वो तो दोबारा बीच में एक और आ गया उसके कारण घटना हुई, उसकी बात कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो इसके लिए क्या होगा, ये मान लेते हैं L1 लेंस है और ये L2 लेंस है, तो L1 लेंस के लिए लेंस सूत्र से वस्तु कहां रखी गई है, ये है तो ये वस्तु की दूरी है, ये क्या है प्रतिबिंब की दूरी है I1, ठीक है, यहां से ये किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, b मान ले इसको या b1 मान लेते हैं, इसको b1 है ये, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब तो है नहीं, ये अंतिम तो बाद में पड़ेगा, पहले इसको सोल्व कर दें, क्या आएगा वन अपॉन एफ वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन बी वन, समीकरण नंबर एक, इसको हमने b नहीं दिया, क्या दिए हैं क्यों दिए हैं, क्योंकि अभी एक अपवर्तन बाकी है, दूसरा अपवर्तन क्या होगा, यहां से प्रकाश किरण मुड़ जाएगी और वास्तव में तो यहां आएगी, जिसको हम क्या कहेंगे आई, और ये जो दूरी है वो वास्तव में क्या है बी है। अब हमने क्या लिया था कि जब L2 लेंस से L2 लेंस में अगर लगाएंगे हम ये सूत्र L2 लेंस के लिए तो क्या होगा, वन अपॉन एफ टू बराबर वस्तु की दूरी, वस्तु क्या होगी इसके लिए इस लेंस के लिए वस्तु कहां है, ये इधर से आ रही है प्रकाश किरण इधर से, तो ये मुख्य अक्ष पे कहां मिलेगी आई वन पे मिलेगी, तो जो पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब का काम करती है वही दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करती है, पूरी एग्जैक्ट बात हम लेंस निर्मात्र सूत्र में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसके लिए वस्तु कहां स्थित होती है मुख्य अक्ष पे, ये तो पीछे मिलेगी नहीं, ये कहां मिल रही है, तो आई वन भी मिल रही है, तो आई वन ही वस्तु का काम करेगी, इसका मतलब जो पहले लेंस के लिए
प्रतिबिंब का काम करती है, वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करती है। न्यूमेरिकल में हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें इसमें डेरिवेशन करवा ले, प्रूफ करवा ले, तब आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए डेरिवेशन सिंपल से ही है, दो इक्वेशन आते हैं दोनों को जोड़ देंगे, वहां से ये किया था, दो इक्वेशन आए थे दोनों को हमने जोड़ दिया था, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी, बस ये ध्यान रखना वस्तु क्या है, वस्तु की दूरी आई वन है, आई वन का मान कितना है, बी वन है, तो माइनस यू की जगह क्या आ गया, बी वन प्लस प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, बी प्लस वन अपॉन बी। समीकरण नंबर दो, अब क्या करो, एक प्लस दो कर दो तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू इज इक्वल टू क्या आएगा, दोनों को जोड़ दो, माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी वन प्लस सॉरी माइनस वन अपॉन वी वन प्लस वन अपॉन वी, कट गया ये किसके बराबर आ गया, वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी, और ये किसके बराबर है, लेंस सूत्र यही तो है, क्या है, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, वन अपॉन एफ, इसका मतलब यहां जो कुल मान आ रहा है वो कुल है, कुल एफ का मान है, उसको हम कैपिटल एफ मान देंगे, तो वैल्यू क्या आ गई, इधर लिख देता हूं, वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू इज इक्वल टू वन अपॉन कैपिटल एफ, यहां कैपिटल एफ क्या है, लेंस संयोजन, संयोजन कह सकते हैं या संपर्क कह सकते हैं, लेंस संयोजन की परिणामी फोकस दूरी, यानी कुल दूरी है भी, कुल दूरी है, तो फोकस दूरी याद करनी हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, सेंटीमीटर में दिया मीटर में बदलने की जरूरत है, डायरेक्ट लगा, अब पी क्या होता है, पी क्या होता है, क्या होता है, वन अपॉन, ये क्या है, वन अपॉन एफ वन, तो क्या हो गया, पी वन पहले लेंस के लिए शक्ति, वन अपॉन एफ टू क्या हो गया, पी टू दूसरे लेंस के लिए शक्ति, वन अपॉन एफ कुल शक्ति, क्योंकि कुल पकड़ दूंगी, अगर आप समझ रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, पी वन प्लस पी टू इज इक्वल टू पी, ये दोनों फॉर्मूले महत्वपूर्ण है फॉर न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स बिल्कुल सिंपल आते हैं, अभी हम बात करते हैं कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, ये लिख लिया होगा, ये ध्यान रखने इधर की बात, इसको मैं मिटा रहा हूं और एक दो क्वेश्चन हम सोल्व करके देखते हैं, बाकी हम आगे न्यूमेरिकल क्लास में फिर करेंगे, लेकिन एक दो अभी इनके साथ ही सोल्व करके देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो सिंपल सीधा दे दिया जाए आपको कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, शक्ति बताइए, तो क्या बताएंगे, फोकस दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर, अब अपने को सेंटीमीटर में दिया तो फॉर्मूला पी बराबर क्या होता है, 100/f, लेकिन अब आप f के मान में प्लस माइनस ध्यान रखना है, बिना प्लस माइनस के नहीं चलना है, शक्ति का मतलब है चश्मे का नंबर, और हमें पता है कि प्लस में भी होता है और माइनस में, आगे हम डिजीज की बात करेंगे, इनसे संबंधित बीमारियों की बात करेंगे, जो नौवीं दसवीं में आपने पढ़ी, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, उनकी थोड़ी डिटेल से बात करेंगे कि कब कौन सा चश्मा कब लगेगा, माइनस का नंबर किसको लगता है, प्लस का नंबर किसको लगता है, तो माइनस प्लस निकलते कहां से है, वो लेंस से निकलते हैं, कि अब जिसकी फोकस दूरी किसकी है, ये 25 सेंटीमीटर अवतल लेंस की है, तो अवतल लेंस या तो आप ध्यान रखो भाई माइनस में होता है, नहीं याद रहे तो आप ये डायग्राम मान लो, तो ये मुख्य क्या हो जाएगा, इधर अपसारित करता है ये अपसारी लेंस, और ये पीछे मिलती है प्रकाश किरण, तो इधर से आ रही थी, हम इसको मापने के लिए इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं ना, क्योंकि ये यहां मिलेगी, यहां फोकस बिंदु इसका, तो एफ क्या हो गया, माइनस, या ध्यान रखिए आप
कि एफ क्या हो गया माइनस में होता है अवतल लेंस के लिए, तो एफ का मान क्या रखेंगे -25 सेंटीमीटर। तो P इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो क्या करना है इसमें, एक लाइन भी सोल्व हो गया 100/-25 चार, तो -4 डायरेक्टर, ऐसे व्यक्ति को माइनस का नंबर लगेगा। ठीक है, अब किसको ये प्रॉब्लम होती है या डिजीज में हम बात करेंगे, भाई दूर का देखने में समस्या होती है उसकी, कौन सा लगता है, क्यों लगता है, ठीक है, उसकी रेटिना में क्या दिक्कत होती है, यानी उसके प्रतिबिंब जो घाव बनना चाहिए और घाव बनता है, ऐसी स्थितियां वो हम उसमें बात करेंगे। ये तो सामान्य स्थितियां थी। अब आपको दूसरा यू दे दिया जाए, एक टू डायरेक्टर का उत्तल लेंस तथा 4 डायरेक्टर का अवतल लेंस संपर्क में रखे गए हैं। टू डायरेक्टर का उत्तल लेंस 4 डायरेक्टर का अवतल लेंस संपर्क में रखे गए हैं, इस संयोजन की परिणामी शक्ति तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों बातें आ गई, सारे क्वेश्चन ही आ गए इसके अंदर, ये मान लो 70 के क्वेश्चन आ गए, बस इसे बाहर कुछ नहीं पड़ेगा। तो यहां से देखें तो क्या देगा, किस किस का मान दे दिया, P1 का मान दे दिया 2D, उत्तल लेंस है तो जिसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है उसके लिए पी भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहीं से तो आधा 100 में से भागी तो करते हैं, इसीलिए आपको टी का मान दे रखे हैं, तो आपको एफ पता है वही पी होगा। पी का मतलब सिंबल कि अगर एफ पॉजिटिव है तो पी पॉजिटिव, एफ नेगेटिव है तो पी भी नेगेटिव, ये महत्वपूर्ण बातें भी इसके अंदर बस ये पूछी जाते हैं। तो यहां को क्या बताना है, उत्तल लेंस के लिए ये तो दे दिया हमें कितना 2 डायरेक्टर है तो 2D, लेकिन उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है प्लस होती है, तो प्लस 2D, ये हमें पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा। ये 4 डायरेक्टर है लेकिन कौन सा लेंस है, अवतल लेंस के लिए कैसे होती है माइनस में, तो ये किसमें आएगा -40। अब पूछा संयोजन के लिए तुल्य शक्ति क्या होगी, परिणामी शक्ति क्या होगी, तो शक्ति का सूत्र क्या है, पी बराबर P1 + P2, तो परिणामी शक्ति आ जाएगी P = P1 + P2, 2D - 4D, 4 माइनस का जाता है कितना -2D, तो P का मान कितना आ गया। अब ये भी पूछ लेते हैं भाई संयोजन जो है गया, अब उत्तल भी लग गया अवतल भी लग गया, अब दोनों को मिला के वो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, तो दोनों को मिला के जो रिजल्ट में सिंबल है उसकी तरह व्यवहार कर रहा है, रिजल्ट में माइनस है और माइनस किसका होता है अवतल का, इसका मतलब ये संयोजन अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। क्लियर, अब इसमें आगे बात करते हैं, एक बात हो रह गई कि क्या पूछा है संयोजन की फोकस दूरी, अलग अलग फोकस दूरी भी पूछ सकते हैं, अलग अलग पूछे तो पहले लेंस की अलग अलग, जब देखो पी बराबर 100/f है तो यहां बराबर क्या हो जाएगा 100/p, यहां से अगर हमें f बताना है तो f इधर चला जाएगा, p इधर आ जाएगा, क्या जाएगा 100/ हो गया, संयोजन की पूछी है तो संयोजन से निकल जाएगी, तो क्या होता है p बराबर 100/f होता है सेंटीमीटर में है ना, इसलिए 100 में दे रहा है, मीटर में होता तो 1 में देते, f इधर आ जाएगा, f इज इक्वल टू क्या जाएगा 100/p, मान रख दो कितना है 2 है, तो f बराबर क्या आ जाएगा 100/-2, कितना आ गया माइनस का 50 सेंटीमीटर। दूसरी बात आपको ये भी क्या जा सकता है, पृथक फोकस दूरी क्या होगी, अलग अलग, अलग अलग का मतलब संयोजन से पहले अलग अलग कितनी है, तो अलग अलग का भी यही सूत्र है, इसके लिए निकालेंगे तो कितनी है, इसके लिए निकालें तो पहले लेंस के लिए फर्स्ट के लिए क्या आएगी, क्या F1 = 100/P1, तो अब उत्तल लेंस प्लस में आएगी तो 100/2 कितना आया 50 सेंटीमीटर, और F2 = क्या आया 100/P2, तो क्या आ जाएगा 100/P2 का मान कितना है -4, तो कितना आ जाएगा -25 सेंटीमीटर। तो अलग अलग पूछी जाए तो अलग अलग बता दो, संयोजन की पूछी जाए तो संयोजन की बता दो।
इसीलिए इसके अंदर देखो बहुत सारे क्वेश्चन बढ़ते हैं परिभाषा मीटर के रूप में, सेंटीमीटर के रूप में, इसका मात्रक, इसके एक डायरेक्टर की परिभाषा, फिर संपर्क में लेंस क्या होते हैं, संपर्क में लेंस के लिए डेरिवेशन क्या है, फिर परिणामी खगोल दूरी का सूत्र, फिर परिणामी शक्ति का सूत्र, और फिर न्यूमेरिकल अलग अलग के लिए पूछने और कॉन्टेक्ट के लिए पूछने, इतनी बातें हैं इसके अंदर और सारी महत्वपूर्ण है। और ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, ये बात आप ध्यान रखिए, और इम्पोर्टेंट भी क्या, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, कोई भी प्रॉब्लम आए तो बता दें, प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कंफ्यूजन रहती है तो कम से कम एक बार और देख लिया करें वीडियो को, एक बार देखते तो कुछ बातें हो सकता है नहीं समझ में आए तो दिक्कत रह जाए, तो आप दूसरी बार देख लिया करें, फिर भी दिक्कत आए तो फिर आप कमेंट में डाल दिया करें, प्रॉब्लम क्लास में हम सोल्यूशन ले लेंगे। चैप्टर संख्या जो पिछला हमने किया था प्रत्यावर्ती धारा, उसके लिए भी प्रॉब्लम क्लास के आ गया था, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम क्लास कैसे। इसीलिए अगर इसमें भी प्रॉब्लम नहीं आती है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर आप दो तीन बार रिवाइज करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी भी, क्योंकि हम लगभग सब बातों को डिस्कस कर लेते हैं, कुछ में थोड़ा हो सकता है स्पीड ज्यादा रख लें, उसमें थोड़ा नॉर्मल वे में भी रहते हैं, लेकिन ज्यादा स्पीड है तो आप उसको थोड़ा सा अगर कम समझ में आ रहा है तो उसको दो बार देख लें, तीन बार देख लें तो क्लियर हो जाएगा, फिर भी अगर नहीं होता है तो आप लिख सकते हैं, तो फिर उसके लिए जो चीज जो प्रॉब्लम की रहेगी उसको हम प्रॉब्लम क्लास के अंदर ले लेंगे जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, बाकी बातें हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, तब तक आप इनको रिवाइज करें, ज्यादा से ज्यादा लिख के देखें और थोड़ा रिटर्न वर्क करें, प्रैक्टिस करें, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।